जनजातीय क्षेत्र भरमौर में बन रहे कुठेर जल विद्युत परियोजना में प्रभावित पंचायतों के कांग्रेसियों की लगातार अवहेलना को लेकर आज कांग्रेसियों की एक बैठक वन विभाग विश्राम गृह गरोला में हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने की। बैठक में कांग्रेसियों ने कंपनी प्रबंधकों पर परियोजना का भगवाकरण करने का आरोप लगाया। बैठक में सभी कांग्रेसियों ने एकजुट होकर कहा कि इस परियोजना में 90% लाभ भाजपा के लोगों को दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेसियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व वन मंत्री ने क्षेत्र के विधायक पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस विधायक के अधिकारी उनके साथ एक कार्यक्रम में ऐसे नाच रहे थे जैसे मानो पूरे भरमौर क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया हो। भरमौरी ने कहा कि जिस समय विधायक अपने अधिकारियों संग जश्न मना रहे थे, उस समय भरमौर क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को ना बिजली नसीब हो रही थी और ना ही पानी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि सारे कंस्टिट्यूएंसी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। मेरी टीम भी यहाँ इकट्ठी हुई थी। ये मीटिंग आज स्पेशली हमने JSW जो कंपनी है, कुठेर प्रोजेक्ट है, इसको रिव्यू करने के लिए रखी। यहाँ जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनकी लंबी सोच नहीं है, संकुचित सोच है। वो डायरेक्शन देते हैं कंपनी वालों को कि सिर्फ केसरीकरण करेंगे हम, BJP के लोग लगे और कोई नहीं लगे। वो 6 पंचायतों की जो पब्लिक है और एडजॉइनिंग पंचायतों की जो पब्लिक है उनका राइट है, उनको वो नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने दिया हुआ, हमारा प्रोजेक्ट है और MLA को ही डिस्पैच कर। जैसे दिल्ली में पूजनीय केजरीवाल जी ने इनको डिस्पैच किया है, ऐसे इनको डिस्पैच कर देंगे और प्रोजेक्ट में नहीं। होली बजोली जो प्रोजेक्ट हम राज में थे, मैं कैबिनेट मिनिस्टर, मैं तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन हमने सब लोगों को रोजगार, हमने केसरीकरण नहीं, वहाँ कांग्रेस BJP से चुका बात नहीं, हमेशा सबको रोजगार दिया और स्मूथली सोचा। और अभी ये बाहर के लोगों को यहाँ काम देते हैं सिफारिश, तो हम वो टॉलेट नहीं के पैसे खा के बाहर के ठेकेदारों को शिमला में मिली बात करके मीटिंग करते हैं, पैसे लेके उनको यहाँ काम देंगे, उनको भी निकाल कर। उज्ज्वल हिमाचल के लिए भरमौर से मनोज ठाकुर की रिपोर्ट।